हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हरियाणा एडीओ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे हम। और इस पर्टिकुलर पेपर के सेट सी के मोस्ट प्रोबेबल जो करेक्ट आंसर्स हैं, मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ गलतियां हो छोटी मोटी, बट फिर भी जो मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर्स हैं उनको डिस्कस मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था सेट सी का, द राइजोस्फीयर इफेक्ट कैन बी क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसका आंसर होगा R is to S ratio। जहां पर भी मुझे आंसर में डाउट होगा मैं आपको बता दूंगी और उस आंसर को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, फाइनल आंसर की जब आ जाएगा तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इनटू डिफरेंट शेप्स इज नोन एज, तो आंसर हो जाएगा टोपियरी। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास द कार्बन एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट यूज्ड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा ये सेट नंबर सी है, मैं जल्दी से एक बार क्वेश्चन भी पढ़ दे रही हूँ ताकि आप बाकी सेट्स वाले भी अगर हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन था, द मिक्सचर ऑफ ब्रीडिंग लाइंस हैविंग द सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफरिंग एट अ स्पेसिफिक लोकस इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मल्टी लाइन। क्या आंसर हो जाएगा? मल्टी लाइन। पांचवें नंबर का क्वेश्चन मैं ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ बिकॉज इसका आंसर मुझे करेक्ट थोड़ा सा डाउट जा रहा है, बट अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से होना चाहिए, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, तो इसका कंफर्म आंसर मैं नहीं बताऊंगी। छठवें नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर हूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ पेडिग्री सिलेक्शन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजाइगस एंड साथ ही साथ होमोजीनस। होमोजाइगस एंड होमोजीनस एक वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर भी लेकर के आऊंगी हरियाणा एडीओ के क्वेश्चंस का, आज सिर्फ आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ वाला क्वेश्चन थोड़ा एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि साइट्स, द साइट्स वर साइंड इन विच ईयर, किस ईयर में साइन किया गया इसको, तो 1973 शुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद एट्थ वाले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जहां पर पूछा गया है कि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी सिस्टम में व्हाट काइंड ऑफ क्रॉसेस आर पॉसिबल, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो इसमें आप क्वेश्चन पेपर आई मीन क्वेश्चन मार्क लगा ले। नेक्स्ट मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ टेंथ नंबर के क्वेश्चन पे बिकॉज नाइन्थ नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउट है, बाकी मैं फाइनल आंसर की वीडियो के लिंक में जरूर नीचे डाल दूंगी। इसके बाद टेंथ नंबर का क्वेश्चन, टेंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्किंग कलेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टली ट्वेल्थ नंबर के क्वेश्चन पर, जहां जहां भी मुझे डाउट है आई एम लीविंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA। क्वेश्चन था द टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन दैट यूजेस होमोजाइगस टेस्टर इज नोन एज, उस रिकरेंट सिलेक्शन का नाम बताएं जहां पर होमोजाइगस टेस्टर को यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA, सेट सी में ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 13th नंबर का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड जो तब बने जब ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो रहा, ऑर्गेनिक एसिड्स डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन एक्ट अस चीलेटिंग एजेंट में बी, तो आंसर इसका होना चाहिए अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। इसके बाद है ये था 13th नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन पर। 14th नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परिंग सीड ड्राइंग के दौरान का जो स्टेप होता है ये क्या होता है, तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पॉज बिटवीन द स्टेजेस ऑफ ड्राइंग, पॉज मतलब थोड़ा बहुत स्टॉप करना। 15th नंबर का क्वेश्चन जो कि इस पार्ट ऑफ वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, शगाफ्स रूल के बारे में पूछा गया था, इज नॉट फॉलोड इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग डैश एज जेनेटिक मटीरियल, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी द आंसर शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये था पार्ट वन सॉल्यूशन और आंसर की ऑफ हरियाणा एडीओ, नेक्स्ट पार्ट आज के आज ही अपलोड हो जाएगा, वेट फॉर दैट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।